अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास। टुडे वी हैव लेक्चर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज। सो वी वर डिस्कसिंग टॉपिक जो था हमारा, डेट वाज पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर एंड आउटवर्ड किस तरह से डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, दैट इज़ द मेन टॉपिक। एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स दैट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ओनली वाटर मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट और रीडिंग अबाउट वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट में सेल को डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, लाइक वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये भी कह सकते हैं कि इन डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट में, इन प्रॉब्लम्स में सेल बर्स भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बैलेंस द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हमें बैलेंस करने की जरूरत है एंड वी हैव 3 इन्वायरमेंट्स: आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली हम जो एग्जांपल यूज़ करते हैं, दैट इज़ एनिमल रेड ब्लड सेल, RBCs के हम एग्जांपल देखते हैं और उस RBC को देखते हैं कि इन तीनों एनवायरनमेंट में RBC किस तरह से सर्वाइव करता है, रेड ब्लड सेल किस तरह से सर्वाइव करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट इज़ डैट इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज़ इक्वल, बराबर होती है। सेल रिमेन नॉर्मल, सेल जो है, सेल की पोजिशन, सेल की जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल रहता है सेल जो है। और ऐसे इन्वायरमेंट में द सेल वॉल्यूम रिमेन द सेम बिकॉज द रेट एट विच द वाटर इज एंटरिंग इन टू दिस सेल इज इक्वल टू द रेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूविंग आउट इज इक्वल। जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड मूव कर रहे हैं उतने ही बाहर मूव करते हैं और ये बैलेंस रहता है इन्वायरमेंट। सो सेल जो है वो मेंटेन रहता है, नॉर्मल रहता है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपरटोनिक सिचुएशन, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है एंड सॉल्वेंट कम होता है। सोल्यूट मीन्स सॉल्ट्स एंड सॉल्वेंट रिएक्ट कर रहा है एज अ वाटर। सॉल्वेंट जो है वो पानी है। इट मीन्स डैट इस अमाउंट में, इस इन्वायरमेंट में सोल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। और ऐसी सिचुएशन में, हाइपरटोनिक सिचुएशन में, सेल जो है वो पानी को लॉस करेगा और जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सेल गेट श्रिंक। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें सॉल्ट्स की अमाउंट कम है और सॉल्वेंट लाइक पानी जो है वो ज़्यादा है। ऐसे इन्वायरमेंट में पानी तो ऑलरेडी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा होने की वजह से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर होगा, सेल स्वेल्व होगा और सेल जो है वो ओवरफिल्ड हो जाएगा बैलून की तरह और वो रप्चर हो जाएगा या बस्ट हो जाएगा। इट मीन्स डैट आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल रिमेन नॉर्मल और एट कॉन्स्टेंट, और हाइपरटोनिक सिचुएशन में सेल गेट श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाता है, पानी जो है इसमें वो लॉस होता है। और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में पानी सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है और सेल जो है वो बर्स्ट या रैप्चर्ड हो जाता है। सो दीज आर द वाटर प्रॉब्लम्स विच एन एनिमल सेल लाइक रेड ब्लड सेल इज फेसिंग इन डिफरेंट 3 इन्वायरमेंट्स: आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल, सो प्लांट सेल हैव टू फेस दीज इन्वायरमेंट इन डिफरेंट वे। प्लांट सेल जो है वो डिफरेंटली इनको फेस करता है। एक्चुअली प्लांट सेल की जो सेल वॉल है, डेट इज रिजिड, वो रिजिड होती है, हार्ड होती है, तो वो इसको एग्जर्ट करती है, इसको बर्दाश्त कर लेती है। मोस्ट प्लांट सेल्स लिव इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। और आप देखें, अगर हम सी वाटर की एग्जांपल लें तो डेट इज़ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है और सी के पानी में सॉल्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्लांट जो उसमें ज़्यादातर एग्जिस्ट नहीं करते। और हाइपरटोनिक एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें सॉल्ट्स कम और पानी ज़्यादा है, लाइक रिवर एंड पॉन्ड्स वगैरह का जो वाटर है, डेट इज़ हाइपरटोनिक इन नेचर। ज़्यादातर प्लांट्स इनमें एग्जिस्ट करते हैं। सो प्लांट जो है इसमें एक, अगर हम बात करें हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की, तो हाइपरटोनिक एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें प्लांट जो है टर्गर प्रेशर एग्जर्ट करता है। टर्गर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जिसमें इंटरनल वाटर, सेल के अंदर मौजूद पानी जो है, डेट एग्जर्ट प्रेशर ऑन सेल मेम्ब्रेन आउटवर्ड इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। और ये जो टर्गर प्रेशर, ये जो फिनोमिना है टर्गर प्रेशर अप्लाई करने का, डेट इज़ कॉल्ड टर्जिडिटी। एंड जब सेल पानी के अंदर रहने की वजह से श्रिंक हो जाता है सेल का साइटोप्लाज्म, तो डेट इज़ नॉन एज प्लाज्मोलिसिस, इसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेल वॉल एंड दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। अब प्लांट के अंदर मौजूद, प्लांट के वैक्यूल के अंदर मौजूद जो पानी है वो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पर अंदर से, सेल मेम्ब्रेन पर अंदर से जितना भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, डैट इज़ कॉल्ड टर्गर प्रेशर। सो दिस इज़ द वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स
which are faced by the animal cell and plant cell. So you learn today, you will learn water balance problem today. So till then, next lecture, Allah Hafiz.